माता मंदिर तक पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, अंदर जाने का बढ़िया है पर वीडियो लेना पड़ेगा अंदर, मैं यही बाहर से लेता हूँ, यही ज़्यादा मनोहारी है। और इस तरफ अपन सिया देवी मंदिर के रास्ते में जाएंगे। बढ़िया, ये गाड़ी मेरी खड़ी है, हमारे पार्टनर्स लोग गए हैं अंदर मंदिर में माता के दर्शन करने। और यहाँ ग्रामवासी लोग अपना लगाए हुए हैं ठेले टपरी और पूजा सामग्री वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ कुछ सूची बनी हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ लोगों के दान दक्षिणा किए हुए लोगों के नाम लिखे हुए हैं रानी देवी मंदिर के लिए। तो ये अंदर पठारी एरिया से अपन आए हैं, जंगल वंगल होके पीछे में काफ़ी जंगली जानवरों के, मतलब उसमें एक हिरन ही हमको दिखा, चीतल वगैरह, जिनका वहाँ पर घर रहा होगा जंगलों में। 15 किलोमीटर में अपन लगभग 12-13 किलोमीटर अंदर आ गए। यहाँ से अब अंदर और जाएंगे, फिर शायद लौटते में इसी रोड से वापसी होनी है अपनी। चलिए आगे फिर जो सिया देवी मंदिर और जो जलाशय बोल रहा हूँ, जो वाटरफॉल है, वहाँ दर्शन करके अपन लौटेंगे। काफ़ी समय होता जा रहा है, बने रहिए दोस्तों। फिर अंदर जा सकते हैं ना गाड़ी लेके, वहाँ पर वीडियो नहीं है। चलिए वैन तो आप पूछ लो। यहाँ गया और लाइट जगह मंदिर भी आएगा, तो हम लोग एकमात्र टूरिस्ट हैं। गाड़ी का अरे माँ वाटर खोलाएंगे पार्क स्टैंड करना पड़ेगा। चलिए विराम हुआ, बंद है अभी तो जाए যত জায়গায় আমার খালি মনে পড়ে যায় পড়া যায় ইয়ে হ্যাঁ মাম্মি আমি আপনাকে বলছি কাম্মি ইয়ে দেখে মেরি বাল রাঞ্চা দেখাস না দেখাস না মার খেয়ে মরে দেবে ये है मैं मस्त में कमर का पीस आ जा रहे पानी देख रही है ये फ्रेंड जहाँ पानी का फ्लो कैपरी पोड़े आती ना ये अरे वो तो वीडियो में मत बोलो, ये हमारे श्री राम भक्त गोरा केवट मंदिर है, जय श्री राम। और ये राम भक्त वीडियो में आ जाए तो गाड़ी धोने का नया तरीका, गाड़ी लेके जा सकते थे ऊपर तक और समझ नहीं आया भाई थोड़ी देर आपसे गाड़ी लेके जाएंगे तो भी स्लिप करेंगे। अब मैम चलते चलते कैसे जाए, एक काम करो इसको चढ़ के जा सकते नहीं ठीक है, फ्लो फ्लो ठीक ही है। अरे वो है वाटर पार्क, वो ये तो है तो वैक्सीन हो गया। चलो ना वहाँ से एक बार आते समय पहले मंदिर उसके बाद चलो। वीडियो ये है क्या है तो वो है वाटरफॉल का नज़ारा वहाँ से मैं और पहले मंदिर दर्शन करते हैं श्री राम जानकी माता के मंदिर के बाद दिखा तुम्हारा जूता थोड़े बहुत आए भी हैं पर्यटक চলে এলাম কি রাস্তা।
रुको मैं गले में लटका ऑन है। ये है हाथ धोने का साबुन, मतलब तो ये फ्रेंड्स सिया देवी में माँ सीता और राम जी का मंदिर, लक्ष्मण जी के साथ में है विराजमान। अंदर फोटोग्राफी निषेध है, वीडियोग्राफी, तो अपन मंदिर का ही फ़ोटो यहाँ से लेते हैं। और यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा था, ये माँ सिया देवी मनोकामना ज्योति कलश स्थापना में जो प्रतिभागी है उनके नाम लिखे हैं सालों साल के। नारागांव में पड़ता है ये सिया देवी मंदिर ट्रस्ट। तो चलिए बस, मंदिर तो इतना ही है, उस तरफ थोड़ा अपन चलेंगे। बता रहा था आपको कि मंदिर प्रांगण यहाँ इतना है और वहाँ भी बगल में मंदिर है, शिव जी और माँ पार्वती देवी का मंदिर होगा मेरे ख्याल से। तो देख लेते दूर से अपन। हाँ, वहाँ माँ दुर्गा देवी का मंदिर हो, और इस तरफ में भी कुछ कुछ है, गार्डन बना हुआ है देख सकते हो। और यहाँ कार यहाँ तक आके पहुँची हुई है, तो ये प्राकृतिक छटा यहाँ की बहुत अच्छी है। और आसमान वो ऊपर, और वो है प्रवेश द्वार दूसरा वाला, जहाँ से मंदिर में प्रवेश कर सकते कैंपस में। तो ये है बढ़िया प्रांगण, और कुछ देर में हम लोग वाटरफॉल की तरफ भी चलेंगे। काफ़ी लंबा आ गया हम लोग, उसमें जाना भी पड़ेगा और भूख प्यास भी लग रही है इसकी बात। तो चलिए आगे बने रहिए। ये सिनेमेटोग्राफी शॉट है दोस्तों, देख लीजिए मंदिर प्रांगण पूरे ग्राउंड में 360 डिग्री व्यू। और ये गार्डन, और यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम भी है, और ये झरना जाने का मार्ग यहाँ एक और दिखा रहे हैं। और यहाँ से ये बैठने और आराम करने का स्थल, और ये मंदिर यहाँ वापस, बगल में माँ पार्वती का मंदिर, और ये माँ सीता और श्री राम प्रभु जी का मंदिर। यहाँ से सीता माँ के जब हम लोग आश्रमवासी हुए थे, और श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी हैं यहाँ पर, उनके पद चिन्ह है। एक पत्थरनुमा जगह है जहाँ पर ना सीता माँ का पैर का छाप पड़ा है, वो भी मैंने देखा था। तो यहाँ ये एक और है, शायद ये विश्रामालय है, छोटा मोटा मंदिर का शक्ल दिया गया है। और देख सकते हो आप पीछे का नज़ारा जहाँ से अपन आए। और ये कुछ कुछ मेरे को वो जगह का एहसास करा रहा है जहाँ अपन आए थे गोंदिया में। आसमान साफ हो तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा वाला साबुन बदली रहने से फिर हमको रेनकोट पहन के पूरा रास्ता चिप चिप में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो पॉन्ड टाइप का शक्ल बना हुआ है, हाँ वहाँ खाली पर नहीं जा रहे हो तो। अरे वो स्लीपर ही रहता है, काई जमा अगले क्या गिर जाएगी इधर। वाटरफॉल का जो नज़ारा है आप यहाँ से ले सकते हो। और ये सीढ़ी नुमा जो जगह है ये पहले, अरे ओ, यहाँ से वाटरफॉल जो है एक्चुअली नीचे बह जा रहा है, अपने को उधर जाना पड़ेगा वाटरफॉल के नियरेस्ट जाके। तो ये जो पानी है झरना, वो नदी टाइप का बह के आ रहा है, स्रोत का मुझे ठीक से पता नहीं। यही सब झरना, यही झरना नीचे बह रहा है, यहाँ पर अपन फोटो ले सकते हैं। धूप में बैठ गए हैं, तो अपन चलते हो वाटरफॉल को, सामने से व्यू लेते हैं दर्शन। तो फ्रेंड्स ये 360 डिग्री व्यू आप देखिए झरने का, और ये देखिए ये है सिया देवी
एकमात्र जो प्राकृतिक झरना नदी वहाँ कहीं से बह के आ रहा है, और इस तरफ जो है सिया देवी मंदिर है ऊपर से बनाए उसकी तरफ, और फिर अभी झरने की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसका पानी कल कल करके बहती हुई चली जाती है। तो ये मेरा प्राकृतिक ब्लॉग शुरू हो गया है। गाँव कोड़े खाको नानी बाग खेद है ना, झरने के एकदम फ्रंट में आ गया हूँ मैं, और ये मेरे पीछे आ गया ना, आप देख सकते हो झरना बस। और यहाँ तक आने में लगभग हम लोग को नाड़ा गाँव यहाँ 2 या 3 किलोमीटर अंदर आना पड़ा। सिया देवी मंदिर से हम प्रस्थान ले रहे हैं। अच्छा मौसम बन गया फिर से, और पुलिस साहब लोग आ रहे हैं, 2 लोग अपना जायज़ा लेने के लिए कितने पर्यटक आ रहे हैं, सही है कि नहीं जगह में, और वापस आ रहे कि नहीं उसमें देखने के लिए। और ये जो प्राकृतिक झरना है तो वहाँ से बहते हुए आता है और आगे निकल जा रहा है। इसका स्रोत का मैं कभी अकेले राइडिंग पे आऊँगा तो स्रोत का पता करूँगा। और वहाँ पर एक वाल्मीकि आश्रम और वहाँ से झरना घूम के जाने का प्रमुख रास्ता और है उसके पीछे से, पर अभी शायद वो बंद था इसलिए हम नहीं जा पाए। वहाँ नदी का जो निचला स्तर है वो आप देख सकते हो, और यहाँ झरने का ये सामने का हिस्सा, और ये यहाँ नदी बहते हुए कल कल चले जा रही है। तो पानी में कुछ जूता गीला होने का टाइम आ गया, सामने आ जाता हूँ। देख लीजिए मेरे पीछे नदी का बहते जा रहा, और वहाँ शिव जी और माँ पार्वती वहाँ का, और वो नदी का आगे बढ़ते हैं।